आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं ये हेलो एवरीवन। और आज हम आफ्टर इफेक्ट्स की सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं वैलेंटाइंस डे। डे वन और डे टू, ये दो टेम्पलेट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेम्पलेट से। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड इट विल ओपन आफ्टर इफेक्ट्स। और आज हम इजी वे में देखेंगे कि कैसे इसे एडिट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये स्टार्ट हो गई है आफ्टर इफेक्ट्स। चलिए हम देखते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट गाइस। इस तरह का कुछ एक इनविटेशन आएगा वैलेंटाइंस डे का। जैसा कि आप जानते हो 14 फेब वैलेंटाइंस डे आने वाला है। तो चलिए हम इसे एडिट करते हैं और देखते हैं कैसे इजीली एडिट कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बेसिकली टेक्स्ट है, इसमें फ़ोटोज़ नहीं है। तो हम सिर्फ टेक्स्ट एडिट करेंगे गाइज। ये एक छोटा सा इनविटेशन है वैलेंटाइंस डे का, तो आप ये एडिट कर सकते हो गाइज। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ टेम्पलेट्स टैब में जाओ डबल क्लिक करके, और आप यहाँ देख सकते हो गाइज, टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट टेम्पलेट, टेक्स्ट 02, टेम्पलेट टेक्स्ट 05, 01, ऐसे करके है। तो गाइज, इन्हीं कुछ चीज़ों को एडिट करना है। और यहाँ लॉगो भी एडिट कर सकते हो आप। अगर कुछ लॉगो डालना है अपने कंपनी का या फिर किसी चीज़ का, तो आप इजीली उसे भी डाल सकते हो गाइज। तो मैं इसे बीच में कर लेता हूँ। चलिए फिर मैं सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ और हम एडिट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले चलिए 6 नंबर में लॉगो है, तो हम लॉगो ही चेंज कर लेते हैं। सो डबल क्लिक, ये लॉगो वाला टैब ओपन हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन में जस्ट आपको राइट क्लिक करना है गाइज, और ब्राउज कर लीजिए जो भी लॉगो आपको चाहिए। आप कुछ भी डाल सकते हो गाइज इसमें। तो हम सेलेक्ट करते हैं लॉगो, देन इटर्नल्स लेयर। और गाइज, जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर। और पीछे वाला जो लॉगो है गाइज, इसे आप यहाँ डिलीट कर सकते हो। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। गाइज ध्यान रखिए, ये लॉगो मेरा वाइट कलर में है, तो आप बैक जाके देख लो कि ये कंपोजिशन में कैसा दिखता है। तो गाइज, ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो एक्चुअली वाइट तो ठीक है, लेकिन ई नहीं दिख रहा है। तो चलिए गाइज, हम कुछ और लॉगो ट्राई करते हैं। इसे रिप्लेस कर देते हैं हम कुछ और लॉगो से। ये ठीक लग रहा है, ये इटर्नल स्लेयर का पूरा वाइट वाला लॉगो है। और एस से आप इसे रिसाइज कर सकते हो, एस से स्केल हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ रिसाइज करके, और इसे बीच में प्लेस कर देता हूँ। परफेक्ट, अब ठीक है गाइज। अब आप देख सकते हो कि ये लॉगो दिख रही है ऊपर, छोटी सी है बट ठीक है। चलिए गाइज, तो जब हम इसके बाद अब कुछ टेक्स्ट एडिट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट 05। तो इसे एडिट करके देखते हैं कि ये क्या है। ये टेक्स्ट 05 गाइस नीचे लिखा हुआ है वैलेंटाइंस डेज, तो इसे आप एडिट कर सकते हो। इसे मैं एडिट करके 14 फेब कर देता हूँ, फेब्रुवरी 2022। तो इसे मैंने एडिट करके 14 फेब 2022 कर दिया गाइस। देख सकते हो यहाँ नीचे आ गया 14 फेब 2022। और उसके बाद मेन हम लोग को एडिट करना है ऊपर वाला टेक्स्ट, तो वो शायद 01 होगा। यस, वो 01 है। तो इसे डबल क्लिक कर लो तो न्यू टैब खुल जाएगा एक, इसमें आप फिर एडिट कर सकते हो। इधर बहुत सारा हार्ट शेप्स है, टेक्स्ट है, तो टोटल टेक्स्ट फील्ड 02, इसे आप डबल क्लिक कर दो तो ये फिर सारा टेक्स्ट खुल जाएगा। इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फिर आप इजीली इसे एडिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं कैसे एडिट करते हैं। तो लिखा हुआ है, ज्वाइन अस इन दिस ग्रेट नाइट ऑफ फन, वी विल बी वेटिंग फॉर यू इन एक्साइटमेंट, वैलेंटाइंस डे करके कुछ है। तो देखते हैं वैलेंटाइंस डे ये है, तो इसे डबल क्लिक कर दो। तो वैलेंटाइंस डे पार्टी कर देता हूँ इसे। आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो गाइज।
अगर कुछ इनविटेशन लिखना है तो कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ तो इधर आ जाएगा आपका करेक्टर्स का टैब। यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप चेंज कर लो। इस तरह से वैलेंटाइंस डे ये ठीक लग रहा है, मैं ये डाल देता हूँ वैलेंटाइंस डे। इसे थोड़ा बीच में कर लेते हैं, चलिए वैलेंटाइंस डे पार्टी, सो लेट्स द पार्टी बिगिन। वैलेंटाइंस डे पार्टी ये आप देख सक रहे हो गाइस यहाँ आ गया है। और वेडनेसडे 14th फेब फ्रॉम, ये नीचे वाला टेक्स्ट भी चेंज करना है। देख लेता हूँ कौन सा दिन होता है, 14th फेब, 14th फेब मंडे हो रहा है गाइस, तो इधर एडिट करके इसे मंडे कर देता हूँ। ये लगता है लास्ट ईयर का होगा, इस साल मंडे हो रहा है 14th फेब, मंडे फेब्रुअरी 14th फ्रॉम 9 PM, फ्रॉम 9 PM टिल अनटिल, हटा देता हूँ फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स, चलिए ठीक है टेक्स्ट। सो वैलेंटाइंस डे पार्टी मंडे फेब्रुअरी 14th फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स। एड्रेस चेंज कर देता हूँ, इसे चेंज करके आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो गाइज, इसे चेंज करके कर देता हूँ धनबाद क्लब, धनबाद झारखंड, चलिए हो गया। और कैप्स लॉक बंद कर लेना गाइस, तभी ये प्रीव्यू दिखेगी धनबाद क्लब। चलिए एड्रेस भी हो गया, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये किस तरह का दिखेगा गाइस, जिस तरह का दिखेगा वैलेंटाइन डे पार्टी, इसे भी बंद कर दीजिए। अब आप देख सकते हो गाइस फाइनली ये इनविटेशन किस तरह का आपको दिखेगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह कुछ आएगा, ज्वाइन अस इन दिस ग्रेट नाइट ऑफ फन, वी विल बी वेटिंग फॉर यू विथ एक्साइटमेंट, वैलेंटाइंस डे पार्टी मंडे फेब्रुअरी 14 फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स, धनबाद क्लब धनबाद झारखंड। चलिए अब इसे बंद कर देता हूँ। तो गाइज ये फाइनल एडिट हो गया है, बस इस तरह ही आपको एडिट करना है। और अगर कुछ दिक्कत होगी तो यू कैन कमेंट इन दी बॉक्स डाउन बिलो एनी टाइम। तो चलिए गाइज आप जैसा कि जानते हो इस तरह का प्रीव्यू देख सकते हो, एक्चुअली ये एक छोटा टेम्पलेट है तो प्रीव्यू आराम से दिख जा रहा है, नहीं तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कुछ टाइम लेता है प्रीव्यू दिखने में। और रेंडर के लिए तो मैंने जैसे बताया था फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना है आपको, फिर ऐड टू रेंडर क्यू, उसके बाद इधर से बेस्ट सेटिंग्स आप सेलेक्ट कर लो कौन सा रिजोल्यूशन में करना है आपको, उसके बाद ओके कर देते हैं गाइस। फिर आउटपुट कहाँ पे चाहिए, मेरे को डी ड्राइव में चाहिए आउटपुट, तो डी ड्राइव कर देता हूँ। उसके बाद लेट्स दी रेंडर स्टार्ट, तो देखते हैं गाइस कितना टाइम लेता है। मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हाँ ये स्टार्ट हो गया है, ये कुछ ही सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वेट फॉर दी फाइनल आउटपुट। तो गाइस ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आफ्टर इफेक्ट्स का, जैसा कि मैंने बताया मैं आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल लेते आऊँगा धीरे धीरे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस इस चैनल पे। और इसके बाद और भी वेडिंग्स के स्लाइड शो और फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज, बहुत सारे पोस्ट आने वाली है, बहुत सारे वीडियोज आने वाली है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।